सो गाइस, तो मैं सबसे फर्स्ट मेरे भाई लोग, मैं आपको एक बार इस ऑडियो को दिखा देना चाहता हूँ। रामायण में कई अद्भुत और प्रेरणादायक घटनाएं हैं, लेकिन उनमें से एक बेहद दिलचस्प और मार्मिक प्रसंग तब आता है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे होते हैं। यहीं पर शूर्पणखा का आगमन होता है, जो रावण की बहन होती है। वह राम को देखती है और उनके रूप पर मोहित हो जाती है। वह राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन राम उसे विनम्रतापूर्वक मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे पहले से ही विवाहित हैं। शूर्पणखा फिर लक्ष्मण के पास जाती है, लेकिन लक्ष्मण भी उसे ठुकरा देते हैं। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी टाइप से कार्टून एडिट करके इसमें आपको सिखाऊंगा। तो गाइस, अगर आपको भी इस टाइप से कार्टून एडिट करना है, सबसे आसान तरीके में सीखना है, तो अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे, तो मैं आपको सबसे आसान तरीके में इस टाइप से कार्टून एडिट करना इसमें आपको सिखा दूंगा AI की मदद से। तो गाइस, अगर आपको AI की मदद से ना कार्टून एडिट करना सबसे आसान तरीके में सीखना है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच अगर आप लोग कर लेंगे तो सबसे आसान तरीके मैं आपको सिखा दूंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शुरू एंड कर स्टार्ट। सो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कार्टून को गाइस एडिट करना सीखने वाले हैं गाइस, वो भी AI के मदद से। तो गाइस, अगर आपको भी AI के मदद से कार्टून एडिट करना सबसे आसान तरीके में सीखना है, तो अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे, तो मैं आपको सबसे आसान तरीके में AI से मतलब कि गाइस आपको कार्टून एडिट करना मैं आपको सिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सिंपली गाइस, हम लोग AI से मतलब कि कार्टून को एडिट कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली हम लोगों को एक कहानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले कहानी को लेंगे, इसके लिए सिंपली कर लेंगे इस तरीके से, मोबाइल को हम लोग ऑन और सिंपली आ जाएंगे गूगल वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, गूगल पे आएंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे कि इसमें आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे। तो देन गाइस, आपको यहाँ पे चैट और यहाँ पे GPT करके सर्च कर लेना है, और आपको यहाँ पे डॉट और यहाँ पे गाइस आपको कॉम करके इस तरीके से कर लेना है, और यहाँ पे आपको सर्च इस तरीके से कर लेना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे कर लेंगे, तो आप लोगों को काफ़ी आसान तरीके में हम आज कार्टून एडिट करने का इसमें आपको सिखाऊंगा। तो सिंपली आपके सामने इस टाइप से वेबसाइट ओपन होंगे, तो गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गाइस आपको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना होगा, जिस भी टाइप की आपको यहाँ पे कहानी चाहिए, लव स्टोरी कोई भी कहानी आप लोग यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। तो मैं अभी आपको रामायण की कहानी को लेकर सिखाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मेरा माइंड इस तरीके से, और यहाँ पे इंटरेस्टी, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पार्ट, इस तरीके से पार्ट करके लिख लेंगे पार्ट, और गाइस इन यहाँ पे हिंदी करके लिख लेंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिए हिंदी। गाइस यहाँ पे लिखेंगे इन हम लोग 100 वर्ड्स में मतलब कि कहानी को लेना चाहेंगे, आप लोग 1000 भी लिख सकते हैं, 2000 भी लिख सकते हैं, आपको जितना लंबा कहानी चाहिए। तो मैं अभी आपको बताने के लिए 100 वर्ड्स लिखता हूँ, यहाँ पे 100 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ड, इस तरीके से वर्ड्स करके लिख लेंगे, और यहाँ पे सिंपली हम लोग सर्च कर लेंगे। तो जैसे कि हम लोग सर्च करें, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक कहानी क्रिएट हो आ जाएगा, आप लोग देखिए कितना इंटरेस्टिंग मतलब कि कहानी आपके सामने आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, रामायण की कई रोचक घटनाएं हैं, लेकिन एक खास प्रसंग है जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में रहते थे। तो इस तरीके से करके मेरे पास एक कहानी आ चुका है। तो आप लोग क्या कीजिएगा गाइस, यहाँ पे इतना काम कर लीजिएगा, एंड गाइस आप लोगों को इसका इमेज चाहिए कहानी के हिसाब से। पहले हम लोग कहानी को कॉपी कर लेंगे, इस तरीके से कहानी को सबसे पहले हम लोग कॉपी कर लेंगे, इस तरीके से करके और कॉपी कर लेंगे इस कहानी को, और यहाँ पे गाइस आएंगे और यहाँ पे इसको हटा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे गाइस आपको एक मिलेगा नोटबुक एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं अपने कहानी को यहाँ पे करूँगा, सिंपली इनेबल करूँगा इस तरीके से, और गाइस यहाँ पे इसको हम लोग हटा लेते हैं अच्छे से, और यहाँ पे गाइस देख लेते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अलाउ कर लेंगे इस तरीके से, और काफ़ी आसानी देखिए आप लोग अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे जो भी आपका कहानी मतलब कि गाइस होगा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करके और मैं अपने कहानी को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इसमें क्या कि हम अपने कहानी को यहाँ पे रख लिए हैं, ठीक है, आप लोग भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको स्केल करेंगे तो हमारा कहानी यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग कहानी को कॉपी कर लीजिएगा। और आ गाइस, आपको क्या करना होगा, अब आपको अपने कहानी के हिसाब से इमेज चाहिए, तो उसके लिए आपको एक टेक्स्ट लिखना होगा, जो टेक्स्ट मैं अभी कॉपी करता हूँ अपने व्हाट्सअप से, मैं अपने व्हाट्सअप पर सेंड किया हूँ, तो मैं उसको कर लेता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आपको यहीं से देख के आप लोग उसको कॉपी आराम से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से इसको आराम से आप लोग कॉपी आराम से इसको कर दीजिएगा और यहाँ पे कटाइएगा, और गाइस आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको पेस्ट आराम से करना है इस तरीके से। मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लूँगा, और जैसे कि मैं पेस्ट करने के बाद इस पर सर्च कर लूँगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट, जो आप लोगों को अच्छे से देखिए वीडियो को, आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो
तो दनगिस अभी आप लोग मेरे भाई लोग देख सकते हैं कि मेरे कहानी के हिसाब से मुझे यहाँ पे बहुत ही सारा मतलब कि यहाँ पे इमेज क्रिएट करके दे दिए जाएगा। आप लोग देखिए वीडियो को, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसके लिए सॉरी गाइस, और मैं अपने रूम में हूँ इसके कारण से आपको प्रॉब्लम मिलेगा। अगर आप लोग नेटवर्क में होइएगा तो काफ़ी आसान तरीके में आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि इस यहाँ पे देख लीजिए कि मेरी कहानी में जितने भी सारे इमेज होंगे ना उसको टेक्स्ट में लिखकर यहाँ पे दे देगा, इस तरीके से करके दे देगा। तो अभी ये मतलब कि और भी करेगा तो मैं देख लेता हूँ अच्छे से। आप लोग घबराइएगा मत मेरे भाई लोग, मेरे में नेटवर्क स्लो है इसके कारण से आपको रहता है। पूरा 7 इमेज है ठीक है, मतलब कि हमारे कहानी में पूरे 7 इमेज का यूज किया गया है ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको भी कॉपी कर लूँगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, दनगिस यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको मैं आराम से सॉरी इस ऊपर नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। इस तरीके से करके हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे आराम से। आप लोग देखिए वीडियो को, आप लोग इसको कॉपी आराम से कर लीजिएगा। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, बस आपको यही से करना है सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना होगा, इस तरीके से करके पूरे को आपको कॉपी कर लेना है। इस तरीके से करके आपको इसको पूरे को कॉपी आपको कर लूँगा। फिर से आपको नोटबुक एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करके फिर से प्लस पे आपको क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे अपने कहानी को लिख लेना है। इस तरीके से करके अपने कहानी को लिख और फिर से यहाँ पे हटा लेना है। इतना तो हो चुका है, आप लोगों को इतना काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन गाइस क्या करना है हम लोगों को, पता है क्या करना है हम लोगों को, अपने कहानी का जो भी इमेज वगैरह है उसको हम लोग एडिट कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की मतलब कि एक वेबसाइट पर जाना है जिसका कि नाम आपको अभी मैं बताऊँगा। तो इसको कट करना, इसका कोई काम मतलब कि इसका कोई काम अब नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशन, देख लीजिए यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए, मतलब कि यहाँ पे देखिए ऑडियो ग्रामर AI, आप लोग देख लीजिए इस तरीके से करके। और इसको हम लोग इस यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो आप लोग सर्च कीजिएगा, फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है इमेज को एडिट करना। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ आपको इजीली समझा देंगे ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इस टाइप से पेज ओपन होंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या है गाइस आपको प्लस पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपको प्लस पे क्लिक कर लेना है, बहुत आसान है। आप लोगों को प्लस पे क्लिक कर लेना है और आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक टेक्स्ट को लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको भी व्हाट्सअप से कॉपी करता हूँ, तो इसको मैं भी व्हाट्सअप में लिख कर रखा हूँ। तो यहाँ से इसको क्लिक करके और इसको कॉपी कर लेंगे। तो फर्स्ट बार आप लोग क्या कीजिएगा, इसी वाले को यहाँ पे पेस्ट आप लोग कीजिएगा इस तरीके से करके। सॉरी गाइस इसको हटाते हैं और इसको यहाँ से कर लेंगे हम लोग आराम से पेस्ट, इस तरीके से पेस्ट कर लिए हैं। और इतना काम करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, फिर से आपको नोटबुक एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है। तो मैं अपने कहानी पे क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरा कहानी यहाँ पे, तो इसमें ChatGPT है करके इस तरीके से, और इसमें आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, तो इसमें मेरा केवल कहानी है। और इसमें क्या हुआ है ना कि मेरा कहानी के साथ साथ हर चीज़ मतलब कि कॉपी हो चुका है। तो इसके लिए सॉरी, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, बस आपको करना क्या है, यहाँ से पकड़ना है एक पार्ट को पकड़ना है इस तरीके से करके, और आप लोगों को इसको कॉपी करना है। मतलब कि इसमें पूरा कॉपी हो चुका है, देख लीजिए पूरा कॉपी हो चुका है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, बस आपको एक पार्ट को करना है, दो पार्ट को करना है, तीन पार्ट को करना है, चार पार्ट को करना है, पाँच पार्ट को करना है, छः पार्ट को करना है, सात पार्ट को करना है, मतलब 7 इमेज को क्रिएट करना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे आइएगा और जिस भी टेक्स्ट को हम लोग अभी मतलब कि किए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे कि इसका सेटिंग मतलब हर चीज़ आपको बनाना है, तो इसको ऑटो पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा और आपको मतलब कि 16:9 को सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपका जो इमेज होगा ना यूट्यूब के मतलब कि जो भी यूट्यूब का साइज होता है उसके मतलब के हिसाब से होगा ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट पे आपको क्लिक करना होगा, तो आप लोग आराम से क्या कीजिएगा, जनरेट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरीके से करके ना अपने 7 टेक्स्ट का इमेज को मतलब कि क्रिएट कर लीजिएगा। आप लोगों को फिर से प्लस पे क्लिक करना है, फिर से इसी तरीके से करके और आप लोगों को सारे इमेज को क्रिएट करना है। तो अभी मेरे सामने आएगा तो 56 हो ही चुका है, तो इसको पूरा 100 होने देंगे, उसके बाद से मेरा इमेज आएगा। और मैं पहले से ही क्रिएट करके रखा हूँ बहुत सारा इमेज, तो अभी मैं आपको इस वाले इमेज को बताता हूँ ठीक है। तो दनगिस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। तो मेरे कहानी के हिसाब से मैं क्या करूँगा, चारों इमेज को डाउनलोड कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इमेज को डाउनलोड करूँगा। आप लोग भी चारों इमेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। चारों इमेज को डाउनलोड करने से आपको क्या होगा कि आप लोगों को जो भी चारों में अच्छा लगे आप लोग उसको ईजिली कर सकते। तो मेरे चारों इमेज डाउनलोड हो चुका है ठीक है। मैं फिर से करता हूँ, देखता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी ये गाइस हो नहीं रहा है, मतलब कि दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो अभी क्यों नहीं हो रहा है अभी इसको हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसके कारण से नहीं हो पा रहा है,
और फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाँ गई सब हो चुका है, देख लीजिए यहाँ पे पूरा हो चुका है, मतलब कि कंप्लीट मेरा इमेज जो भी है वो मतलब कि यहाँ पे गई मतलब कि सेव हो चुका है मतलब गैलरी के अंदर, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से करके फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना होगा इस तरीके से, और इसको आपको डिलीट करूँगा इस तरीके से करके। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को एडिटिंग करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना मिले, ठीक है। और आपको वॉइस एडिट करना, कैसे कहानी को बनाना, सब कुछ आपको समझा देंगे, एडिट बता देंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। तो मेरा जो भी पार्ट था वो उसको मैं कैसे अभी डिलीट करता हूँ, तो इस तरीके से करके मैं डिलीट करूँगा। और आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, जब भी कीजिएगा आप लोगों को मतलब कि इतना पार्ट को नहीं करना है, इतना पार्ट को कर लीजिएगा तो इमेज जनरेट नहीं होगा। तो मेरा जो भी इमेज है वो जनरेट तो हो चुका है, फिर से क्या करेंगे नोटबुक में आएंगे, नोटबुक में आएंगे, पहला हो चुका है, दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को बुक कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, दूसरे को भी आराम से कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, फिर से सेम वही प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ पे मतलब बहुत आसान है, आप लोग देख सकते हैं। और फिर से जनरेट पे क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको चार इमेज यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को देखना है, आप लोग सब कुछ कम्प्लीट ही कर सकते हैं। और बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि आप लोगों को सबसे आसान तरीके में कहानी एडिटिंग करने का यही ट्रिक है। तो देखिए अभी आप ये भी इमेज क्रिएट होकर आपके सामने आएगा। तो देन गाइस अभी आप लोग देखते हैं मेरे वाले कि मेरा ये भी इमेज क्रिएट होके आ चुका है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले इमेज को आराम से डाउनलोड इस तरीके से करना है, देख लीजिए डाउनलोड हो चुका है, चारों को कर लेना है, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी आसानी होगा मतलब कि यहाँ पे कहानी को एडिट करने में, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा यूनिक आपका कहानी बनेगा, और आप लोगों का इतना मस्त कहानी बनेगा कि आप लोग ना ऐसे वीडियो को अपलोड करके यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा आप लोग वायरल हो सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग अपने इमेज को तो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, जैसे कि हम लोग कटाएंगे और आपको क्या करना होगा, सिंपली फिर से आपको ओपन करना होगा। तो अब हम लोग इस वाले वेबसाइट को हटाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मतलब कि वेबसाइट आपको मिल जाएगा लूमा AI, ठीक है। तो आप लोग लूमा AI को देख लीजिए, यहाँ पे लूमा AI को आप लोग क्या कीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। और आप लोगों को फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, और जो भी आपका इमेज होगा इस अगर आप लोग उसको चलाना चाहेंगे, अच्छे से एडिट करना चाहेंगे, सब कुछ देखिए ट्राई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। और जिस भी इमेज का टेक्स्ट आप लोग अच्छे तरीके में एडिट करना चाहेंगे, देखिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियोस के अंदर। तो दंगी साहब को यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे कि आप लोग अपने गूगल से किसी भी गूगल अकाउंट से आप लोग इसको लॉगिन आराम से कर लीजिएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन इसको कर लेता हूँ। तो धन गई साहब भी मैं इसको लॉगिन इस तरीके से कर लेता हूँ, तो आप लोग भी कर लीजिएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, काफ़ी आसान है, देखिए आप लोग अच्छे से वीडियोस को। तो धन गई साहब भी आप लोग मेरे भाई लोग देख सकते हैं कि मेरा इस तरीके से लॉगिन हो चुका है, आप भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और जिस भी इमेज को आप लोग एडिट करना चाहेंगे, जिस भी इमेज को जैसे कि मैं करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वाले इमेज को करता हूँ, इस वाले इमेज को मैं कर लेता हूँ, इस वाले इमेज को, और गाइस मैं डन पे क्लिक करूंगा। तो मेरी जो इमेज है ना वो आ चुका है। फिर से गाइस आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपने देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर से हम लोग करते हैं इस तरीके से, और इसको मैं कट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और आपको फर्स्ट वाले को लेना है। जो भी आपका इमेज होगा, जिस भी टाइप का इमेज होगा, मतलब कि फर्स्ट वाला होगा, तो आप लोग फर्स्ट वाले टेक्स्ट को क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ से कॉपी कीजिएगा। और आप लोगों को चार इमेज तो आप लोग डाउनलोड किए हैं, लेकिन एक ही इमेज का काम पड़ता है, लेकिन हम चार को डाउनलोड करके इसलिए सिखाए हैं कि आपको जो भी अच्छा लगे आप लोग उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इस टेक्स्ट को आप लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं ना, यहाँ पे आप लोग देखिए अच्छे से वीडियो को, आप लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको क्या कहना होगा, यहाँ पे तीर वाले आइकन पे आपको, तीर वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो जिससे कि आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो जनरेट हो जाएगा, इमेज जो है ना वीडियो में जनरेट हो जाएगा, देखिए आप लोग वीडियो को अच्छे से। सो गाइस तो अभी आप लोग मेरे भाई लोग देख सकते हैं कि मेरा इमेज जो है ना मेरे लोग वो वीडियो में एडिटिंग होकर आ चुका है इस ऐप से। तो जैसे कि मैं आपको प्ले करके सबसे पहले दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिखा, तो देख लीजिए यहाँ पे मेरा कितना बेस्ट इमेज जो है ना गाइस वो क्रिएट होकर आ चुका है। तो गाइस आपको क्या करना होगा, आप लोग आराम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक की गई से इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप लोग भी इजीली तरीके में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और गाइस मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जिस भी इमेज को कीजिएगा उस वाले इमेज को ले लीजिएगा, एंड अब उसके बाद आप लोगों को अपने टेक्स्ट को लेना है, और आप लोग अच्छे से इस तरीके से इमेज को एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, ठीक है।
और ये जिसके बाद आपको कट आना होगा। तो आप लोग इतना काम दोस्त समझ गए होंगे, मुझे पता है आप लोग इतना काम समझ गए होंगे। जिस इमेज को लेना है जिसका टेक्स्ट लेना है, जिस इमेज को लेना है जिसका टेक्स्ट लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करूँगा, जैसे कि मैं फिर से आता हूँ नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो मैं जैसे कि नोटबुक के अंदर आता हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को, आप लोग सब कुछ समझा देंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जिस पैक कर दो, मैं अपनी कहानी को कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से। मैं इसको वॉइस में एडिट करना चाहूँगा, तो मैं इसको वॉइस में एडिट करने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और जैसे इसको भी हम लोग AI की मदद से इसको वॉइस में एडिट करेंगे। तो मैं कट आऊँगा, कट गई आप लोग भी आइएगा। और जिस आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे जैसे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच वाला एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग इस वाले एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और जिस भी टेक्स्ट को आप लोग लोड किए हो, मतलब कि कॉपी किए हैं, उस वाले टेक्स्ट को आपको यहाँ पे आराम से पेस्ट कर लेना होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे बहुत सारा भाषा मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने भाषा में आप लोग एडिट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको 9 पर करके मतलब कि वॉइस मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं 7 को कर लेता हूँ, 7 को आप भी कर लीजिएगा, मैं 7 को कर लेता हूँ। जैसे कि मैं 4 को कर लेता हूँ, 4 को मैं कर लिया हूँ और मैं डन पे क्लिक करूँगा। जो भी आपको आवाज़ अच्छा लगे, तो इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। अगर कहीं आपको इस वॉइस को सुनना है तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका वॉइस आपको सुनाई देने लग जाएगा। तो मैं आपको लाइव रूप इस वॉइस को सुना भी देता हूँ। तो मैं अपने फर्स्ट अपने माइक को निकालता हूँ और आपको इस वॉइस को सुना देता हूँ। रामायण में कई रोचक घटनाएं हैं, लेकिन एक खास प्रसंग है जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में रहते हैं। रावण अपनी बहन शूर्पनखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करता है। जब राम और लक्ष्मण सीता को आप लोगों को तो विश्वास हो ही होगा कि आपका भाई आपको कितना आसान तरीके में एक कार्टून वीडियो बनाना सिखाएगा और आप लोग इस वॉइस को भी सुन सकते हैं। इसके बाद जैसे आपको क्या करना होगा, जिससे कि आप इस वाले मतलब कि ऑडियो को आप लोग सेव कर लेगा अच्छे तरीके से, तो आप लोग इस तरीके से कीजिएगा। और आप लोग जिस भी मतलब कि मतलब जिस भी टेक्स्ट को लिखना चाहेंगे, मतलब कि मान के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सुभाष करके लिख लेते हैं सुभाष, और यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 इस तरीके से करके, मतलब कि 1 2 3 4 और यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। तो आप लोग अपने ऑडियो को सेव कर सकते हो और इस तरीके से आप लोग अपने एक लंबा कहानी को क्रिएट कर लीजिएगा। मैं आपको बस इतना एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं कट आऊँगा और जिस आप लोग क्या कीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपने वाल्टा को ऑफ करना है और इसके बाद आप लोगों को काइन मास्टर एप्लीकेशन करके से ओपन कर लीजिएगा। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते रहिए। आपको यहाँ पे न्यू क्रिएट पे इस तरीके से क्लिक करना है, आपको 16.9 को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस आपको क्या करूँगा, आप लोग अपने वीडियो को ले लीजिएगा। सबसे पहले मैं इस वाले वीडियो को ले लेता हूँ, जिस भी वीडियो को मैंने एडिटिंग किया हूँ उस वाले वीडियो को मैं ले लेता हूँ। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। और इसके बाद गाइस आपको ऑडियो पे क्लिक करना है, ऑडियो क्लिक करके सॉन्ग पे आना है और आप लोग अपने सॉन्ग को देख लीजिएगा कहाँ पे आपका कहानी होगा। तो मैं जस्ट ना इसको ढूंढ लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देन गाइस मेरा यहाँ पे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरा गाइस कहानी आ चुका है। तो मैं अभी आपको अपने फ़ोन के अंदर का माइक निकाल कर और आपको इसका वॉइस सुना तो कि जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से अभी आप लोग सुनिए। रामायण में कई रोचक घटनाएं हैं, लेकिन एक खास प्रसंग है जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वन। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे इस तरीके से करके और इसको आप सुनेंगे, काफी अच्छा लगेगा सुनने में। आप लोग देखिए वीडियोस को अच्छे से। रामायण में कई रोचक घटनाएं हैं, लेकिन एक खास प्रसंग है जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में रहते हैं। तो गाइस आप लोग क्या कहिएगा, इसी तरीके से करके ना आपको कहानी को अच्छे से एडिटिंग कर लेगा। जैसे कि एक पार्ट है, फिर से आपको यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट भी देखने को आपको मिला है, फिर इसको तीसरा इमेज को बोलेगा डालने के लिए 4 इमेज है। यहाँ पे देख लीजिए जितना भी इमेज होगा आप लोग अच्छे से यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इमेज की आपकी आवश्यकता पड़ी आप लोग लेकर वीडियो में क्रिएट करके और एक कहानी को काफ़ी आसान तरीके में एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस मैं तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वाली वीडियो को समझिए। फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब लगे जिसने ये फ्लो वॉच करने, थैंक यू सो मच गाइस।